नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर। और आप इस वक्त एक बहुत ही अहम कार्यक्रम देख रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसे मेहमान से रूबरू करवाएंगे जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त दी गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कई सारी जातियां हैं और कई सारी जातियां पूरे देश में हैं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब इन जातियों के साथ किसी प्रकार का कोई अपराध होता है तो इनको सबसे ज़्यादा उम्मीद, सबसे ज़्यादा आसरा अपने आयोग से होता है। उसी तरह का एक आयोग है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। हालांकि उत्तर प्रदेश में जब इस आयोग से जुड़े हुए या इस जाति के लोगों के साथ जब अपराध होता है तो उनके परिवार वाले या फिर अपराध जिसके साथ हुआ होता है उसको भी सबसे ज्यादा उम्मीद इस आयोग से होती है कि ये जल्द से जल्द इनको इंसाफ दिलाएगा। लेकिन कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं या फिर कई बार ऐसी हिला हवाली देखने को मिली है जब इन आयोगों से लोगों का भरोसा उठता हुआ नजर आया है। अगर हम मौजूदा NCERB रिपोर्ट उठाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं पूरे देश में। लेकिन अगर हम बीते 3 महीनों का ट्रैक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सी स्थितियां जो हैं उत्तर प्रदेश में सुधरी हैं। इन जाति के लोगों के खिलाफ जब अपराध बढ़ा है उन पर कार्रवाइयां हुई हैं और कार्रवाइयों के साथ साथ बहुत सारा मामला एक बड़े पैमाने पर जब इस आयोग के सामने रखा जाता है तो उसका निस्तारण भी सही तरीके से हुआ है। हुआ क्यों है ये सबसे अहम बात है जानने की, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं राम बाबू हरित जी जो कि SC/ST आयोग के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। सबसे अहम बात यह है कि बीते 3 महीनों से इनके ऊपर पूरी कमान इस आयोग की दी गई है और बीते 3 महीनों में ही कहीं ना कहीं इस आयोग ने बेहतर तरीके से काम किया है। इस जाति के, इन जातियों में आने वाले लोगों के साथ अगर किसी प्रकार का कोई अपराध होता है तो वो सबसे पहले आयोग की तरफ जाते हैं और बीते 3 महीनों में अगर हम आपको रिपोर्ट कार्ड उठाकर बताएं तो कहीं ना कहीं बाबू हरित के अनुसार और आयोग के अनुसार और पीड़ितों के अनुसार कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से इस आयोग ने काम किया है। लोगों के जो उनकी शिकायतें थी उन शिकायतों का निस्तारण किया है। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए राम बाबू हरित से चर्चा करेंगे और सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं, राम बाबू हरित भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं इस वक्त। 1989 में इन्होंने भाजपा से सभासद का चुनाव लड़ा था, जीते थे। उसके बाद 1992 में ये डिप्टी मेयर बने थे। इसके अलावा आगरा की जो पश्चिम सीट है वहां से 3 बार के ये विधायक रहे हैं, 3 बार इन्होंने विधायकी जीती थी। और उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह की सरकार हुआ करती थी उस दौरान इन्होंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री का भी पद संभाला था और बेहतर काम किया था। अहम बात यह है कि आगरा में एक अहम वोट बैंक है जिसको साधने के लिए बीजेपी ने इस बार इस तरह का कार्ड खेला है, ऐसा विपक्षी दल कह रहे हैं कि लोग कि दलितों को साधने का प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर राम बाबू हरित के कंधों पर रखा गया है, उसका पूरा दारोमदार और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस वोट बैंक को साधा जाए। अब इसकी सच्चाई कितनी है ये तो 2022 के चुनाव में ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस विभाग की जिम्मेदारी डॉक्टर राम बाबू हरित के कंधे पर रखी गई है वो इसको बखूबी इस वक्त निभा रहे हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर राम बाबू हरित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मैं आपको कहूंगा। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं क्योंकि एक अहम जिम्मेदारी आपको इस वक्त दी गई है, 3 महीने से आपने जिस गद्दी का कार्यभार संभाला हुआ है कहीं ना कहीं उस विभाग ने बीते 3 महीनों में बेहतर काम किया है। कई सारे मामले जो हैं वो आप लोगों ने उसका निस्तारण किया है, आयोग बेहतर तरीके से काम कर रहा है। क्या चुनौतियां थी जब आप इस कुर्सी पर काबिज हुए और जब आपको पता चला कि अब आपको इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो क्या क्या वो समस्याएं थी और पहले से दिमाग में क्या बातें आ गई थी कि भैया मुझे इस चीज के लिए तैयारी करनी है, विभाग को इतना बेहतर काम करना है और जो मामले आ रहे हैं उनका निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए, उसके लिए क्या रोडमैप तैयार किया था? देखिए, मैं पहले सभी अपने दर्शकों का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि लगभग मेरा 28 वर्ष का जो है राजनीतिक जीवन हो चुका है और इस राजनीतिक जीवन में मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं सबको सुलभ उपलब्ध रहूं और जो भी मेरे पास संसाधन है और जो नियमों के अंतर्गत संभव है उससे अधिक से अधिक लोगों की मैं सेवा कर सकूं। क्योंकि एक अनुभव होने के नाते पहले भी मैं जब स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहा, विधायक रहा, तो मैं सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण करता था, स्पेशली के लोगों का निराकरण भी होता था। और इसके बाद में मैं सामाजिक समरसता में भी प्रदेश का सहसंयोजक रह चुका हूँ, तो सामाजिक समरसता का जो मुझे अनुभव हुआ है
उससे मैं समाज की सेवा अच्छी तरह से करने की स्थिति में हूँ, और चूंकि ये हमारा देश है और इस देश के हम सभी नागरिक हैं, इसलिए कहीं जाति के नाम पर कोई मनमुटाव होता है, आपस में थोड़ी कलह हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, तो मेरा प्रयास तो ये रहता है कि उसका जो है समाधान वही लोकल स्तर पर हो जाए और आपस में जो दुनिया बन रही है समाज के अंदर वो खत्म होनी चाहिए। क्योंकि पूर्व में तमाम ऐसी राजनीतिक दल आए यहाँ पर जिन्होंने बाबा साहब का नाम से लिया जी। लेकिन बाबा साहब के अनुसार उन्होंने आचरण नहीं किया। बाबा साहब चाहते थे कि इस देश के अंदर सामाजिक समरसता बननी चाहिए, सामाजिक एकता आनी चाहिए, सामाजिक सद्भाव आना चाहिए, लेकिन ये ममता की नींव पर आना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसल नहीं आपस में किसी तरह की, और मिलकर के हम सब लोग जो कमियां दूर करेंगे। तो बाबा साहब का नाम लिया, उन्होंने जातवाद को बहुत बढ़ाया, उन्होंने जातियों के अंदर तमाम तरह के जो है विघटन पैदा किए, जो हमारा अनुसूचित समाज का गरीब बिना पढ़ा लिखा समाज था उसको गुमराह किया, बाबा साहब का सही दर्शन उनको दिया नहीं उन्होंने, तो जो समाज में दूरियां बनी, जो सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए यही थी कि बाबा साहब की जो सोच थी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी कि जैसे समस्या हमारी एक थी और हमारे पास दो चिकित्सक थे, एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो उसके अनुरूप मैंने अपना आचरण शुरू से बनाया है। और जब से मैं अध्यक्ष बना हूं तो मैं पूरी तरह से ये कोशिश करता हूं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय सबके साथ होना चाहिए, नंबर एक। दूसरा, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वो मेरे पास आकर के सीधा संपर्क करे। अब एक समस्या इसमें ये आती है कि हमारा समाज इतना गरीब है, जब हम जाते हैं तमाम देहाती क्षेत्रों में तो उनके पास बड़ी मुश्किल से अपने खाने की व्यवस्था ही हो पाती है, रोज मजदूरी करते हैं, उससे अपना जीवन चलाते हैं वो। इसलिए मैंने एक व्यवस्था सुनिश्चित और की थी कि मेरा आयोग जो है पूरे प्रदेश में जाएगा। अच्छा। इसलिए मेरे माननीय दो उपाध्यक्ष हैं, माननीय मिथिलेश कठेरिया जी, माननीय राम नरेश पासवान जी, तो मैंने एक एक हिस्सा इनको दिया प्रदेश का, और एक मैंने स्वयं लिया, और मैंने सबकी मॉनिटरिंग भी की कि पूरे प्रदेश में जहां भी है आप लोग जाइए, सीधे जनता के द्वार पर जाइए, जनता से मिलिए, जो भी कहीं परेशानी है, सामाजिक सद्भाव बनना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और उन समस्याओं को कलेक्ट करके आप अपने कार्यालय में लाइए, उसके अनुरूप जो भी नियम कानून था उसके आप हम कार्रवाई करेंगे। तो इसका बड़ा लाभ मिल रहा है मुझे। लगभग हम 53 जिलों में अब तक हमारा आयोग जा चुका है, और सीधे जब अधिकारियों से मिलते हैं तो एक तो अधिकारियों से समीक्षा कर लेते हैं, और जो प्रदेश की और केंद्र सरकार की जितनी नीतियां हैं अनुसूचित समाज के हित में, उनका वहां पर जाकर के हम लोगों के बीच में उसका प्रचार प्रसार भी कर देते हैं। अच्छा। इससे कि वो उनके जानकारी करने के उपरांत उन चीजों का लाभ अपने जीवन के अंदर ले सके। ठीक है सर। अब जैसे उदाहरण के तौर पर एक सवाल मेरा ये था, क्योंकि देखा यही जाता है कि जब इस तरह के मामले होते हैं इन जाति के लोगों के साथ, क्योंकि वो भी हमारे अपने ही हैं, भाई बंधु हैं, सब कुछ, हमें भी बुरा लगता है। अहम बात यह है कि कई बार पुलिस की लापरवाही सबसे ज्यादा देखी जाती रही है बीते दिनों में। अभी का क्या हालचाल है, और अभी आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस तरह के मामले निकलकर सामने आए तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करे, पुलिस मामले को दर्ज करे, पुलिस जो आरोपी है उनके ऊपर कार्रवाई करे, गिरफ्तारी करे, तो उसके लिए कितनी तैयारियां आप लोगों की हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि जब हम समीक्षा करने जनपद में जा रहे हैं, हाँ, तो हमारे जितने भी अधिकारी होते हैं हमारे समक्ष आते हैं, हमारे कप्तान आते हैं, जिलाधिकारी आते हैं, हमारे क्षेत्र अधिकारी आते हैं, तो उनसे हमारी चर्चा होती है, तो उनसे हम यही कहते हैं कि कहीं भी कोई मामला आता है उसको छोटा मत समझिए। हाँ, बिल्कुल, कोई मामला आता है तुरंत वहां पर जाना चाहिए और जाकर के उसका निस्तारण करना चाहिए, तो मामला वो ज्यादा बढ़ता नहीं है। फिर जहाँ कहीं इस तरह के मामले हो जाते हैं, और क्योंकि निचले का हमारा जो पुलिस विभाग होता है उसमें थोड़ा सा कभी कभी गलतियां हो जाती है, तो वो ज्यादा बहुत ज्यादा एजुकेटेड तो उसमें होते नहीं है। तो जैसे अभी उदाहरण के तौर पर एक मामला आया अभी आजमगढ़ का, आजमगढ़ में ये हुआ था कि वहां पर एक पुत्री थी एससी समाज की, पासवान समाज की, उसको कोई स्वर्णकार समाज का जो अपने स्वर्णकार होते हैं वर्मा समाज का, वो उस लड़की को बार बार डिस्टर्ब करता था। अच्छा। तो अच्छा, मैं आपके चैनल से सभी अपने प्रदेश के सम्मानित नागरिकों से ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई प्रकरण आए तो कभी भी आप जो है उस व्यक्ति के पास मन जाइए शिकायत करने के लिए। अच्छा। अच्छा, क्या होता है वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक तरह से झगड़े का रूप हो जाता है। लड़के वाले कहते हैं कि साहब ये हमारे लड़के को तुम आरोप लगा रहे हो, ये करा रहे हो, तो उन्होंने थोड़ी गलती यही की कि वो घर वालों के पास चले गए, उन्होंने शिकायत की भाई आपका लड़का हमारी लड़की परेशान करता है। वो चूंकि लड़का जो था कुछ अपना
तेज रहा होगा, उसने पुलिस के लोग भी कुछ मैनेज कर रखे थे। तो इस मामले में जब शिकायत पुलिस के बाद उन्होंने झगड़ा किया उनसे, कुछ अपना हॉकटॉक हुई, गाली गलौज भी हुआ उस समय। तो पुलिस को उन्होंने जब बुलाया तो पुलिस ने इनका पक्ष ना लेके लड़की का, उस लड़के वाले का पक्ष ले लिया। अच्छा। और इनको वो जाकर के अपने थाने में ले जाने के लिए प्रयास करने लगे, कोई चलो थाने। जब वहां का क्षेत्रीय प्रधान थे मुन्ना प्रधान जी, जो पासवान समाज के थे, काफी लोकप्रिय थे बेचारे, वो बीच में आए, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, एक तो लड़के को पकड़ो, लड़के के खिलाफ कार्रवाई करो, एक तो पीड़ित पक्ष है और आप इनको ही बार बार कह रहे चलो चलो थाने चलो। सही बात है। तो उसमें उनको थोड़ा और बुरा लगा और वो प्रधान के पीछे पड़ गए, चलो तुम भी चलो। जब ये स्थिति पैदा हुई तो वहां पर पूरा गांव का जनसमुदाय इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा हुए उन्हें लगा भाई हमारे प्रधान जी को पुलिस ले जा रही है। तो वहां पर थोड़ा सा एक ऐसा जो वातावरण बना जो दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं बनना चाहिए था। कुछ लोगों ने वहां पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जो कि मैं कहता हूँ गलत है। कभी पुलिस से या किसी सा हमारा जो सरकारी विभाग है वो हमारी सेवा के लिए है, कभी उससे हमें सीधी टक्कर नहीं लेनी चाहिए, लड़ाई लेनी चाहिए। आपको लगता है कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसके लिए तमाम रास्ते होते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, आप ऊपर के जाके अधिकारी से शिकायत करिए, कार्रवाई होती है। लेकिन वहाँ थोड़ा वातावरण बिगड़ा और एक हमारा जो है पुलिसकर्मी वो इंजर्ड हो गया, उसके बेचारे के ज्यादा चोट आ गई, उसकी हेड इंजरी हो गई, ऐसा लगा कि बच्चे का नहीं बचे। अच्छा। तो स्वाभाविक होता है कि भाई आप सरकारी काम में बाधा डालोगे, हमारी सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों के ऊपर आप अटैक करोगे, आक्रमण करोगे, थोड़ा गुस्सा आती है। तो शाम को क्या हुआ, तो शाम को इसके रिएक्शन में बुलडोजर ले जाकर उसके मकान फाड़ तोड़ दिया गया। अच्छा। और तमाम तरह की बातें ऐसी उन्होंने बताई। तो ये बहुत छोटी सी बात थी, या तो उस लड़के को पकड़ कर ले जाते, उसे डांट वाट लगाते और आगे के लिए उसे बता देते तो मामला इतना नहीं बढ़ता। अब क्या हुआ कि ये समाचार पत्रों में चलने लगा, फिर इसमें विरोधी दलों ने, क्योंकि अभी चुनावी वर्ष ये चल रहा है, 4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो विरोधी दलों ने इसका श्रेय लेने के लिए एक सोक्ति के रूप में हाइपरबोलिक वे में। अच्छा सर, ये विरोधी दल जो है, पूरी बात कर दूं। तो जब उन्होंने लेना शुरू कर दिया, इसमें कई विरोधी दलों के तमाम इसमें जो है, किसी ने अपना व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी ने ट्विटर के माध्यम से, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसको वातावरण को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया सोशल मीडिया के माध्यम से, तो तत्काल मैंने एक जो है 6 लोगों की कमेटी बना के वो भेज दिया जी। अब उसका ये लाभ मिला हमें कि वहां पे मामला हमारा सेटल्ड हो गया, प्रधान का भी सम्मान रहा, अनुसूचित समाज के लोगों का सम्मान रहा, जो उनका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर दी गई और आगे के लिए मामले को सेटल कर दिया जी। फिर माननीय हम अपने हमारे संत, हमारे जो है इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है योगी जी, हम उनसे मिलने गए, क्योंकि वो हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जब से वो आए, क्योंकि वो संत हैं, तो संत होने के नाते उन्होंने पूरी तरह से व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है प्रदेश के अंदर कि अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, अन्याय जो व्यक्ति करने वाला होगा उसको दंडित भी किया जाएगा। तो हमने पूरी बात उनके सामने रखी, आयोग की जांच की रखी, तो उन्होंने भी हमें कहा, निर्देश दिया और अधिकारियों को बोला भाई इसमें तो वो लड़का पक्ष था, उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कार्रवाई हुई थी, बात ही नहीं पड़ी। तो आयोग ये काम करता है, जैसे मैंने 3-4 जगह जांच के लिए भी भेजी अपनी टीम, कुछ लोग उल्टी सीधी भी उड़ाते रहते हैं सोशल मीडिया पर, तमाम फेक न्यूज चलती रहती है, लेकिन मैं जब जांच के लिए भेजता हूँ तो उसमें कई चीज निकल के आती है। जैसे अभी एक लड़की का मामला आया, उसने भी अपना सुसाइड किया था, लेकिन उसको लोगों ने हवा देना शुरू कर दिया, तो वो पता लगा कि वो लड़की ने सुसाइड किया, जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया पूरा वो। इसी प्रकार से एक मामला भी यहाँ हुआ है हमारा, ये अपना जो औरैया में, वहां पता लगा कि कुछ लोगों ने उसका मर्डर किया लड़की का। तो हम ये व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं, हमारा जब टीम जाती है जांच करने के लिए, तो एक तो लोगों में आक्रोश नहीं बढ़ता है, और ये विरोधी दल के लोग जितने होते हैं वो अपनी रोड के नहीं सेक पाते हैं, उनको घुबरा नहीं कर पाते हैं, उनको कोई लालच नहीं दे पाते हैं, उनको लगता है कि अब हमारे पास आयोग आ गया है, हमें आयोग से पूर्णतः न्याय मिलेगा। हाँ, उन लोगों को उम्मीद बंध जाती है। लेकिन अभी आप चुनावी वर्ष की बात कर रहे थे और विरोधियों की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैं उधर भी जाऊंगा, क्योंकि चुनावी वर्ष चल रहा है और विरोधी, क्योंकि आपको जब इस कुर्सी का कार्यभार दिया गया, जब जिम्मेदारी दी गई, तो विरोधियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने यह कदम उठाया है और आपको चेहरा इसीलिए बनाया गया है कि आप इस वोट बैंक को अपने पाले में खींच सकें। विरोधियों को यही क्यों दिखता है और ये क्यों नहीं दिखता है कि आयोग बेहतर होना चाहिए, बेहतर काम करना चाहिए, एक बेहतर हाथ में होना चाहिए? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और मैंने सेकंड ईयर ओटीसी की हुई है जे। तो हमारे जो संघ में हमें सिखाया जाता है, हमारा जो उन्होंने पूरा हमारा सर्वांगीण विकास किया है कि हमको इस देश की सेवा करनी है, इस भारत माता को परम वैभव के शिखर के लेकर के जाना है। इसलिए राजनीति हमारा साधन है। इस राजनीति के माध्यम से हम जनता की बेहतर सेवा करने की स्थिति में हैं।
जबकि इससे कोई जैसे अन्य दल होते हैं और जब राजनीतिक सत्ता में आते हैं तो वो अपने जो है भौतिक सुखों में लीन हो जाते हैं, जनता की चिंता नहीं रहती है, लेकिन हमारी पार्टी का एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व पूरी तरह सजग रहता है कि हम जिस सेवा के लिए आए हैं कि हमें हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, उसका मान सम्मान, रोटी कपड़ा मकान, उसको जो है स्वास्थ्य शिक्षा ये सब चीजें मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। तो क्योंकि मैं भी उसका एक अंग हूँ, इस वजह से मेरी प्रवृत्ति भी ऐसी है, मेरे बॉडी के अंदर रिफ्लेक्सेस भी रहते हैं, इसीलिए इस काम को करता हूँ। अब विरोधियों के पास चूंकि कुछ है ही नहीं तो कुछ तो बोलना ही है उन्हें, तो जो मन में आता बोलने लगते हैं। हम काम ना करें तो कहे काम नहीं करते हैं, काम करते तो ये परेशानी होती है, काम कर रहे हैं। अरे भाई चुनाव क्या होता, हमने जब से काम किया तो हमारा 2000 जो है 14 में हमारी जो है यहाँ की हमारी सम्मानित जनता ने, प्रदेश की ने हमें 73 MP जिता करके दिए। उसके बाद मैंने और अच्छा काम किया, हमारे माननीय जी मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी सरकार ने जो इतना अच्छा काम किया कि 2017 में हम 325 सीटों से जीत करके आए, और 325 सीट का मानते नहीं मानते हैं कि अनुसूचित समाज के लोगों ने, अनुसूचित जनजाति के लोगों ने, हमारी सब पिछड़ी जातियों ने, हमारे सभी सवर्णों ने हमें सहयोग दिया। 325 ऐसे नहीं जीते जाते हैं, तो इतना हम काम कर रहे हैं, रेल्टिंग देखिए हमें मिलता जा रहा है साथ के साथ। फिर हमारा 2019 में आया, 2019 में सांसद का चुनाव आया तो इन विरोधियों ने भी तो मचाना शुरू कर दिया कि हम तो हम मिल गए। उसमें जितने भी रहेंगे ना वो कहते चोर चोर मौसेरे भाई, सब इकट्ठे हो गए। अच्छा, तो जनता ने देखा ये तो फिर सत्यानाश कर देंगे प्रदेश का। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि 50% ऊपर तो जीत होती है। हाँ, इसलिए हमको उन्होंने 50, 51, 52, 56 इतना परसेंट जनता ने दिया, फिर हमारे 63 लोग जीत के गए सांसद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप अपने पूरे राजनीतिक करियर में थोड़े समय के लिए बसपा में भी गए थे, फिर आप हालांकि वहां से वापस आ गए, लेकिन इस बार मायावती ये बात कह रही हैं कि दलितों का जितना नुकसान, जितना उनके खिलाफ आपराधिक मामले, जितना उनका शोषण इस सरकार में हुआ है किसी सरकार में नहीं हुआ था, और हम अगर सत्ता में आ जाएंगे तो सारी जांचें होंगी, सब कुछ सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी पुरानी साथी अगर इस तरह की बातें कह रही हैं और वो ये भी कह रही हैं कि इस बार जो साथ है ये आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, इस पर क्या कहना है? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी हमारी जो है ना, बहन जी जो कहती है वो करती नहीं। बहन जी ने कहा था चुनाव से पहले कि मेरी सरकार आएगी तो मैं अखिलेश जी को, मुलायम सिंह को और जितने समाजवादी के जो भ्रष्ट नेता है उन सबको जेल भेजूंगी। उन्होंने जेल भेजा किसी को? किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए। अच्छा जहां तक ये दलितों की बात करती है तो मैं बहन जी से ये पूछना चाहता हूँ कि बहन जी तुम्हारी नाक के नीचे जब NRSM घोटाला हो रहा था, विश्व बैंक से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए जो पैसा आया था उसमें 8,000 करोड़ का अपने यहाँ घोटाला हो गया, और इससे सिद्ध ये होता है कि आपका जो मंत्री था बड़ा खास आपका आदमी था, जो आपका नाक का बाल कहा जाता था, जो उसके बिना आप किसी मिलती भी नहीं थी, बाबू सिंह कुशवाहा जी वो जेल भी गए। तो ये बताइए कि यदि स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान हमारा अनुसूचित समाज का हुआ, अनुसूचित जनजाति का हुआ, हमारी माइनॉरिटी का हुआ, और जो हमारे सवर्ण गरीब है उनका हुआ। तो ये जो पता नहीं इनका, मैं सोच नहीं पाता हूँ कि गरीबों के उनके प्रति पता नहीं इनकी सिंपैथी रहती है। ये कहते हैं कि जितना पिटेगा कुटेगा ऐसी तो अपने आप हमारे पास आएगा, बताइए कोई सोच होती है राजनीति? तो ये कहने का कारण क्या है? कहते क्यों ये ज्यादा पिटेगा हमारे पास आएगा? बहन जी तो कहती हैं, उनके अलावा अखिलेश भी इस बात को कहते हैं कि दलितों का जितना शोषण हो रहा है उतना शोषण किसी सरकार में नहीं हुआ, चाहे उनकी हो या फिर बहन जी की। अच्छा एक बात बताइए, जब जो है माननीय न्यायालय का आदेश आया कि कुछ अनुसूचित समाज के लोगों का प्रमोशन जो है गलत हो गया है, तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है थी कहीं किसी का डिमोशन नहीं किया गया, जांच कराई गई, ठीक है ना? लेकिन यहाँ क्या हुआ हमारे प्रदेश में कि अखिलेश जी ने सबसे पहले जो है अनुसूचित समाज को डिमोशन करना शुरू कर दिया, उसमें कई लोगों को हार्ट अटैक हुआ, कई लोगों ने नौकरी छोड़ी, कई लोगों को बेइज्जत होना पड़ा, कुल मिलाकर के अफरा तफरी का पूरा 25% जनता को ने रौंद दिया पूरी तरह से। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब चुनाव आगे आए तो अखिलेश जी तो सोच रहे थे भाई सरकार बनेगी, लेकिन दलित समाज ने जो अपना उन्हें रौंदना शुरू किया चुनावों में तो कहां रह गए, पूर्ण बहुमत से आकर के वो इतने कम सीट पर रह गए। अच्छा सर एक चीज और है, देखा यही जाता है कि जब हाथरस जैसे, उन्नाव जैसे मामले होते हैं जहां पर दलितों के साथ अपराध होता है, दलित बच्चियों के साथ अपराध होता है, वहां पर सबसे ज्यादा उम्मीद कहीं ना कहीं आयोग से ही रहती है, जनता की भी और उस पीड़ित परिवार की भी। लेकिन आयोग इतना लेट कर देता है, जब इतना हु हल्ला, इतना बवाल, और फिर जाकर कहीं ना कहीं कुछ चिट्ठी पत्री शुरू हो जाती है, कुछ करी जा, कुछ प्रयास किया जाता है, तो इतनी हिला हवाली, इतनी डील डॉल क्यों देखने को मिलती है आयोग की तरफ से? क्यों त्वरित कार्रवाई, क्यों एकदम सही एक इम्पैक्ट वाली बात क्यों आप लोगों की तरफ से नहीं कही जाती?
देखिए उसमें ऐसा है भाई साहब जी कि उस समय आयोग में मैं उस समय अध्यक्ष भी नहीं था और हमारे आयोग में उस समय कोई अध्यक्ष नहीं था। नंबर एक, आयोग हमारा उस समय पैरालाइज था, आयोग एक्टिव फॉर्म में नहीं था। अब जब से मैं आया हूँ तो मैंने इसको बहुत एक्टिवेट किया है, काफी सक्रिय किया है इसको मैंने। और जहां तक ये आपने अभी कुछ जगह का उदाहरण लिया आपने, तो देखिए आप ध्यान होगा सोनभद्र का, सोनभद्र में हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों को कुछ दबंग लोगों ने 200 गाड़ियों में ट्रैक्टरों में भर के आए थे और आज की हमने गोलीबारी शुरू की, उसमें हमारे 11 लोगों की वहीं ऑन स्पॉट में मृत्यु हो गई थी, 30 लोग इंजर्ड हुए थे। तो माननीय योगी जी ने उसे संज्ञान में लिया, संज्ञान में लेके जितने ऐसे गलत लोग थे जो नियम को अपने हाथ में कानून को ले रहे थे उन सबको जेल में डाला। और जिन लोगों ने चाहे वो IAS अधिकारी रहा हो, PCS रहा हो, जिन्होंने भी कागजों में खाता खतौनी में जो गलत काम करने का काम किया उनके खिलाफ भी जांच चल रही है, वो भी सब जेल जाएंगे। तो हमारी सरकार तो आयुक्त से मतलब नहीं है भाई, सरकार इतनी बढ़िया से काम कर रही है, कहीं भी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे उस आदर्श वाले कांड की मैं बात करूंगा आपसे, तो आदर्श वाले कांड में इतना हुआ तो वो उसके परिवार वाले अपनी बच्ची की लाश फिलाश में लगे रहे होंगे और वो पुलिस के संगम में ही लाए होंगे, लेट ला पाए बहुत उसे। अच्छा। और जैसे ही उस बच्ची की मतलब मृत्यु हुई तो पूरे विरोधियों ने उसको इतना वो करा मतलब कि उसका पूरा रूप बिगाड़ने के लिए, अफरा तफरी फैलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए, तो उसने इतना किया। तो कभी कभी इस तरह की कुछ चीज होती है, यदि मान लीजिए कोई आयोग को तुरंत सत्ता है तत्काल हमें सूचना देता है तो तुरंत कार्रवाई करते हैं, नंबर एक। दूसरा ये है कि हमको व्यक्ति अपने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डाक के द्वारा हमारी सभी समस्या भेज सकता है। दूसरा हमारा गूगल पर जाके आप हमारा फैक्स नंबर देख लीजिए, हमारा पोर्टल वेब देख लीजिए, आप उससे भी हमें सूचना भेज सकते हैं। और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, मेरे पे तमाम व्हाट्सएप पे आती शिकायतें मैं उनको जो है संज्ञान में लेकर उन पर कार्रवाई कराता हूँ। अच्छा। यहाँ तक कि हम समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब हमको लगता है गंभीर चीज लग रही है तो हम खुद उसको अपना फोटोकॉपी निकलवा लेते हैं अपने आयोग में, हमारी व्यवस्था है ये। अच्छा। और हम संज्ञान लेते हैं, पहले 8-10 केसों को ऐसे भी संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जहां भी कोई ऐसी बात आए तो तत्काल उनको हमारे क्षेत्रीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के हमारे सांसद हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, उनके संज्ञान में लाना चाहिए, नंबर एक। और इसके साथ साथ आयोग को भी अवगत कराना चाहिए जिससे कि उनको नियम न्याय मिल सके, अतिशीघ्र न्याय मिल सके। और एक मैं बात और कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ चाहती है, सब अपना कर्तव्य भी करें। तो इसमें मुझे बड़ी खुशी होती है कि कुछ हमारे पत्रकार बंधु, कुछ हमारे समाज से जुड़े हुए जिन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं, प्रबुद्ध जन कहते हैं, वो भी बीच बीच में टेलीफोन टॉक करके, टेलीफोन से सूचना देकर बताते रहते हैं, उसको मैं संज्ञान में लेता हूँ, उसके द्वारा भी काम करता हूँ मैं। अच्छा। अब देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले जब ये आए, ये हमारा शुरू हुआ था SC Act जो है, तो SC Act में तमाम कमियां थी। माननीय प्रधानमंत्री हमारी सरकार ने एक अमेंडमेंट किया अभी लोकसभा के अंदर, और उस लोकसभा के अमेंडमेंट में हमने तमाम धाराएं ऐसी चेंज की, जैसे किसी के गले में कोई जूते की माला डाल देता था, कोई दूल्हा बारात में जा रहा उसे घोड़ी से उतार लिया, किसी को जो है निर्वस्त्र करके घुमाया, किसी को उसके साथ जो टॉर्चर किया गया, तो ऐसी इतनी तमाम गंभीर धारा था, कैसेट फेंक दिया किसी बच्चे के ऊपर, किसी की बलात्कार, सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी, इनको हमने संगीन अपराध बनाया। और इसमें सबसे अच्छी चीज हमने मालूम है क्या की है हमारी सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार उसे लागू कर रही है कि ऐसे जो केसेस होंगे उसमें जैसे ही मान लीजिए हत्या हो जाती है तो हत्या होने के बाद FIR होगी, पोस्टमार्टम आएगी, तत्काल उसे जो है जो आर्थिक सहायता मिलना दे दी जाती है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। अब इसमें और क्योंकि ये पता लगता है कभी पैसा नहीं है समाज कल्याण विभाग के फंड में, तो इसमें एक नियम और हमने किया हुआ है, TR20 का खाता होता है, होता है TL के यहाँ, तो हमने बहुत जगह TR20 से भी उनका आर्थिक सहायता कराई है, जब पैसा समाज जवाब पे आता हमारा देश है TR20 उनसे कर देते हैं, तो इसमें कुछ जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड अपराध मुझे अनुभव के गिरवे सिंह जी कहते हैं उनमें, तो हमने ये व्यवस्था की है कि 50% तो हम उसी समय दिलवा देते हैं जब उसकी FIR के बाद तुरंत पोस्टमार्टम या जो है मतलब पुट अप हो जाए। अच्छा। और जैसे ही आपका कमिटमेंट ये 4 सीट सबमिट होगी और 4 सीट सबमिट करने के लिए हमने 60 दिन का समय दिया है, तो 60 दिन के समय में हमारा जो भी अधिकारी है उसे सबमिट करना पड़ेगा, एक आध केस में जिसमें साक्ष्य चुकाने होते हैं उसमें हो सकता है थोड़ा विलंब हो जाए, तो जैसे ही 4 सीट सबमिट होगी तो बाकी का पैसा उसी समय दिलवा दिया जाता है। अच्छा। इसका लाभ क्या है, इसका लाभ ये है कि पहले कोर्ट में केस चलते थे और कोर्ट में केस चलते थे उसका पता नहीं कितने साल वो व्यक्ति जो पीड़ित था मर भी चुका होता, तो उसे न्याय नहीं मिल पाता था, उसको आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती, उस तरह पैसा नहीं होता था कि अपने अपने जो केस को ढंग से लड़ सके,
अब ये व्यवस्था माननीय हमारी केंद्रीय सरकार ने की है, माननीय नरेंद्र मोदी भाई साहब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है जी। तो इसके पीछे उद्देश्य यही था कि इनको आर्थिक सहायता दो जिससे घर का भी अपना खाना पीना चलता रहे और अपने केस को लड़ सके जिससे कि ये न्याय संविधान के अनुसार प्राप्त कर सके। देखिए उसके लिए मैंने ये देखिए पत्रक है मेरा जी। हाँ, जी। ये पत्रक मैंने छपाया है जी। तो माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे रमापत राम शास्त्री हमारे स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हैं, इनके फोटो है और मेरा है और दोनों हमारे उपाध्यक्ष का जी। और इसमें जितने हमारे सदस्य सबके नाम और सबके टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं जी। मैंने इसलिए छपाया है कि इसको जब प्रस्तुत करते हैं हम इसको तो इसमें हमारी जो लाल बल से लिखी हुई है वो माननीय मोदी जी के द्वारा जो चीजें बढ़ाई गई है वो जनता के संज्ञान में आए। अच्छा। और इसमें पूरा है किसमें कितना पैसा मिल रहा है ये सब चीजें। तो हम जब भी जाते हैं किसी क्षेत्र में तो हम कोशिश करते हैं किसी न किसी अनुसूचित समाज की बस्ती में जाते हैं, वहाँ जो है जब 50 से लेकर 500 600 लोगों तक मीटिंग होती है उसमें ये सब बताते भी है, उनको हम पत्र बांट भी देते हैं कि हमने प्राइवेट अपनी तरफ से किया है, ठीक है, इससे लोगों को जानकारी हो सके और अपने न्यायों के प्रति सजग हो सके। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल में आपसे और एक बात में समाज के लोगों से एक आह्वान और करता हूँ कि ये जो हमारा संविधान बना है, संविधान जो बाबा साहब ने बनाया, तो हमारे इस देश के सभी लोगों ने, नेताओं ने, चाहे वो किसी जाति के रहे हो धर्म के रहे हो, सबका सहयोग था बाबा साहब के साथ, सबका और सबकी सोच थी कि भाई इस देश के जो हमारे गरीब जो परिचित रहे हैं हजारों वर्ष से लोग, उनको भी हमें मुख्य धारा में लाना, उनका भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना है हमें, तो सबने सहयोग किया था। फिर बाबा साहब ने जो संविधान बनाया तो उसमें सबके साथ बराबरी का रखा, कुछ प्रिविलेज दिया गया है अनुसूचित समाज के लोगों को। तो मैं अपने समाज के लोगों से ये करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस एक्ट का कोई दुरुपयोग ना करे प्लीज, ठीक है, और कहीं कोई व्यक्ति आपसे सवर्ण समाज का दुरुपयोग कराना चाहता है तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। वैसे मैं ये भी निर्देशित कर रहा हूँ अधिकारियों को कि ऐसे लोगों को फाइंड आउट किया जाए, उनको उनकी जांच की जाए और ऐसे लोगों की कार्रवाई सुनिश्चित कराना आयोग शुरू करेगा। ठीक है सर, मैं एक राजनीतिक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव है और जो छोटे छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश में वो सक्रिय हो रहे हैं, इसी में से एक है आजाद समाज पार्टी और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद। उत्तर प्रदेश में जब कहीं दलितों के खिलाफ अपराध होता है तो वो वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर आप लोगों को कोसने लग जाते हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इन लोगों का कुछ नहीं हो रहा है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं दलितों के खिलाफ, अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ, और सरकार मौन है। तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये इनको लगता नहीं, आपको नहीं लगता कि ये कुछ नुकसान पहुंचाएंगे 22 के चुनाव में आप लोगों को? देखिए मैंने आपसे पूर्व में एक बात कही ना कि जब 2019 का चुनाव लोकसभा का हुआ तो इन सब ने जितने भी ये थे चोर चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो गए, तो जनता हमारी इतनी सजग तो हो गई है, राजनीति की परिपक्वता जनता के अंदर आ चुकी है, भले ही हो सकता हमारा सम्मानित नागरिक पढ़ा लिखा ना हो लेकिन इतनी उसमें जागरूकता आ गई है कि उन्होंने क्या किया कि अब ये सब इकट्ठे हो गए लूटने के लिए सब आ रहे हैं ये, तो उन्होंने हमारा परसेंटेज जो है 51 से ऊपर कर दिया तो हमारी जीत हो गई। ये सब खड़े हो जाए से क्या होता, जनता हमारी जो है हमारे इसके लोकतांत्रिक व्यवस्था की मालिक होती है, कोई चाहे तो व्यक्ति को फर्श से अर्श पे ले आती है और अर्श से जैसे कांग्रेस को फर्श पे ले आई है, मायावती अच्छा। जी को फर्श पे ले आई है, इसी प्रकार से अखिलेश को फर्श पे ले आई है, तो जनता सब जानती है चाहे इकट्ठे हो जाए चाहे मिल जाए चाहे कुछ भी करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पुनः हमारी 300 सीटों से चंद्रशेखर आजाद, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित में बात करती है, राष्ट्र को ऊपर ले जाने के लिए बात करती है, राष्ट्र के लिए हमारा प्रथम राष्ट्र है डॉक्टर साहब, बाद में हम अपने दल को भी मानते हैं। डॉक्टर साहब चंद्रशेखर रावण ये भी कहते हैं कि हम बीजेपी को भी फर्श पे ले आएंगे, प्रजातंत्र व्यवस्था में कौन क्या कहता कह सकता है कुछ भी? अच्छा, उन्हें कहने से क्या होगा, नुकसान कुछ पहुंचा लगता है कि कुछ नुकसान पहुंचा पाएंगे? अरे वो जो भी नुकसान पहुंचाएंगे वो बहन जी का पहुंचाएंगे। अच्छा, आपका कुछ नहीं? वैसे तो बहन जी ऐसा है ना, माननीय प्रधानमंत्री की योजना आवास की प्रधानमंत्री योजना चल रही है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की गरीब कन्या विवाह योजना चल रही है और तमाम सैकड़ों योजना चल रही है जो हमारी, उनका लाभ सबसे ज्यादा किसी को हो रहा है तो अनुसूचित समाज को हो रहा है, अनुसूचित जनजाति को हो रहा है, अति पिछड़ी जातियों को हो रहा है और जो हमारे सवर्ण समाज के गरीब है ना उनको हो रहा है। तो ये पूरा हमारा जो मतदाता है सम्मानित मतदाता है ये भारतीय जनता पार्टी को एकदम दिल में उतार चुका है और दिल में उतार करके इसको आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। देश बचाना है, देश के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा नहीं करना है, धार्मिक देश के अंदर जो तमाम माफिया टाइप के लोग होते हैं, आप देख कितना काम माननीय संत हमारे योगी जी ने किया है कि जिन माफियाओं ने तमाम उल्टे सीधे पैसे इकट्ठे करके लोगों को खून पी करके उनका शोषण करके जो इकट्ठे किए थे उनको वहीं पर लाया है वापिस जहां से शुरू हुई थी उनकी, तो इससे क्या एक मानसिक परिवर्तन होता आदमी के अंदर, यार हम क्या करेंगे उल्टे से कमाएंगे हमारे पास पैसा तो रहना नहीं है, वो बिल्कुल नष्ट नाबूद कर दिया वाले होते हैं उनमें रोक लगेगी।
चलिए सर, आखिरी सवाल बस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब आयोग और बेहतर काम आने वाले दिनों में क्या करेगा, और इसके अलावा आप लोग कुछ आईटी सेल का भी निर्माण कर रहे हैं, सुनने में आया है अलग अलग जिलों में। हाँ, हमारा आईटी सेल जो है उससे मदद लेते हैं और फिर आप लोगों की मदद भी हम देते हैं। और मैंने जितने आपको बताया ना, किसी भी माध्यम से आयोग को जानकारी आती है उस पर कार्रवाई करते हैं, और हम इसको सोशल स्ट्रक्चर और बढ़ाएंगे, आईटी सेल और बढ़ाएंगे, जिससे तत्काल हमें सूचना मिले और उसके अनुरूप हम पीड़ित गरीब व्यक्ति को न्याय दिला सकते। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए, प्राइम टीवी पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर राम बाबू हरित, SC ST आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि आयोग के अध्यक्ष जब से ये बने तब से प्रयास इनका ये है कि बेहतर तरीके से आयोग को चलाया जाए, जो शिकायतें इनके पास आ रही है उनका जल्द से जल्द निस्तारण होए, जो अपराध लगातार बढ़ रहे थे उन पर किस तरह से अंकुश लगाना है उस पर भी इनकी नजर जो है वो बनी हुई है, लगातार जिलेवार जो इनके जो कार्यकर्ता हैं वो जिलेवार दौरे पर हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और प्रयास है विभाग का कि अब उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे थे उस ग्राफ को नीचे लाया जाए। हालांकि NCRB की रिपोर्ट जो 2020 की आई है उसमें साफ तौर पर उत्तर प्रदेश नंबर वन पर है इस जाति में जो अपराध हुए हैं उसमें, लेकिन अब देखना होगा कि जब राम बाबू हरित के हाथ में ये कमान आई है तब कितना बदलाव उत्तर प्रदेश में होता है। अहम बात यह है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, दलित वोट बैंक सबसे अहम वोट बैंक कहा जाता है बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए, लेकिन बीते अगर दो चुनाव अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के विधानसभा में तो बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत बेहतर काम नहीं कर पाई है। हालांकि इस बार उन्होंने प्रयास करना अभी से शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश में कि हम जीतेंगे, हम सबका भला करेंगे, हम कल्याण करेंगे, लेकिन ये कल्याण जो वोट बैंक है किस सरकार किस पार्टी का करता है ये 22 में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी जिस तरह से प्रयास कर रही है उनका साफ तौर पर यही कहना है, जैसा कि अभी डॉक्टर राम बाबू हरित कह रहे थे कि हमें हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए सभी वर्गों का साथ चाहिए होता है, और उसी में एक वर्ग ये जातियां भी आती हैं और इनका साथ हमें मिला हुआ है। तो आज इतना ही, प्राइम टीवी देखते रहिए, खबरों से जुड़े रहिए, नमस्कार।